नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम टाटा केमिकल का है और TTML। हेलो, TTML आपका किस, आपने किस लेवल पर लिया हुआ है? मैम 90 रुपीज के भाव में है और 1500 शेयर हमारे पास है। ठीक है, तो कितना समय दे सकते हैं आप दोनों स्टॉक्स को? मैम दे देंगे मैम 6 महीना साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाटा केमिकल्स विवेक आप सजेस्ट कीजिए। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं एक रेंज में ही है और इनकी जो खरीद है वो भी थोड़ी ऊपरी स्तर पर है। 1080 पर इन्होंने ले लिया था 500 शेयर्स, तो अच्छी खासी क्वांटिटी भी ली है और क्योंकि अब स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है 990 के आसपास, इनको नुकसान भी 40,000 के आसपास का हो रहा है स्टॉक में। क्या करें, टाटा केमिकल्स में बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात है? देखिए मैं ये सलाह दूंगा कि TTML जो है उसको बेच के आप उसको भी टाटा केमिकल्स में कन्वर्ट कर लो। अब दोनों के कारण बोल रहा हूं मैं, एक तो TTML फंडामेंटल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और क्या फंडामेंटल से उधर आज तक मुझे नहीं समझ में आया, तो वो लेके आपको रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो उसको तो आप बेचोगे और वो जो क्वांटिटी जो भी पैसा मिले उससे आप टाटा केमिकल्स ले लो। अब टाटा केमिकल्स को क्यों मैं बाई बोल रहा हूँ, बेसिकली देखिए केमिकल्स स्पेस बहुत अच्छा किया था 2-2.5 साल पहले और उसके बाद में चाइना फैक्टर के कारण एक बहुत बड़ा करेक्शन उस स्पेस में आया। अब करेक्शन आने के बाद मतलब खाली टाटा केमिकल्स नहीं, आप ओवरऑल सारे केमिकल स्टॉक्स ले लो, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट लोस पे अभी चल रहे हैं और काफी कंसोलिडेशन हो गया है सेक्टर में। अब आप अगर जो केमिकल स्पेस के डीलर्स वगैरह है उनसे आप अगर बात करो तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अब आएगा, तो अगर स्टेबलाइजेशन आता है तो टाटा केमिकल्स यहाँ पे वैल्यू वाइज अंडर वैल्यूड ही लग रहा है। आपके बाई प्राइस से खाली 90 रुपया डाउन है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी बढ़ सकता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर ले तो आपका एवरेज भी डाउन हो जाएगा, आपको वापस इसमें प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो एक होल्ड की ही सलाह रहेगी और केमिकल स्पेस में रिकवरी के लिए आप वेट कीजिए। तो यहाँ पर होल्ड करने की आपको टाटा केमिकल्स में सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे।